केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। अगस्त 2023 की शुरुआत होने वाली है, जबकि जुलाई माह का अंत। लेकिन इससे पहले यदि आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है, यानी अभी आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। यदि ITR फाइल करने से चूकते हैं तो ₹5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग बराबर यह अपील कर रहा है कि अंतिम दिन का इंतजार ना करें। आखिरी समय में भीड़ से बचने के लिए पहले ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर। आयकर विभाग की इस अपील का असर भी हुआ है। बीते 24 जुलाई तक देश के 4 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। यदि आप इनमें शामिल नहीं हैं, तो जुर्माने से बचते हुए तुरंत रिटर्न फाइल कर लें। ऐसा नहीं है कि इस तिथि के बाद आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते, यह किया जा सकता है लेकिन जुर्माने के साथ। लेट ITR 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। लेट फाइल करने पर चर्चा करें तो इसके तहत ₹5,00,000 तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि ₹5,00,000 से अधिक की वार्षिक आय के लिए ₹5,000 की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। अगर करदाता 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करना चाहता है तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि निर्धारित तिथि तक इस काम को करने से चूकने वाले करदाता को अपना रिटर्न भरने तक प्रति माह 1% का अतिरिक्त ब्याज देना होता है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, मुस्कराते रहिए। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।